तो दोस्तों अभी हम बनाएंगे अपने कॉकटेल के अंडे और अपने घर वालों से करेंगे प्रैंक और घर वालों खिलाएंगे हम आज कॉकटेल का अंडा। तो कॉकटेल जो मेरा पैरेट है कुक्कू उसके अंडे हैं, उसके अंडे हो चुके हैं इनफर्टाइल यानी कि उसमें बच्चा अब नहीं निकलेगा, तो उस अंडे का हम बनाने वाले हैं आज आमलेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कल के ब्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और थोड़ा सा दोस्तों लेट हो गया था। वैसे तो मुझे 8 बजे डालना था, लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि जो मेरा ब्लॉग था वो मैंने अपने उत्तराखंड पैरट्स वाले चैनल पे अपलोड कर दिया था और जो नया वाला चैनल है उस पर अपलोड नहीं किया था, वो गलती से उस पर अपलोड हो गया था, तो जिस वजह से मुझे वो दोबारा से डिलीट करना पड़ा और उसके बाद दोबारा से उसे दूसरे चैनल पर अपलोड करना पड़ा। इसके वजह से मेरी 2 GB डाटा भी ख़राब हो गया और उसके बाद दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि 8:30 बजे मैंने अपलोड किया है आज का ब्लॉग। तो दोस्तों वैसे तो अपनी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 8 बजे आपको सारे ब्लॉग्स मिल जाया करेंगे, 8 से 8:30 बजे तक आप मान लो। अगर बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेट वगैरह स्लो हो जाता है या नेट वगैरह स्लो चलने लगता है, तो दोस्तों आप मान लो कि 8:30 बजे तक आपको ब्लॉग मिल जाएगा, लेकिन रोजाना आपको 8 बजे मेरे सारे ब्लॉग्स मिला करेंगे। तो दोस्तों आज तो आप मौसम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जैसा कल मौसम था वैसा ही आज हो रहा है, लेकिन कल थोड़ी थोड़ी धूप निकली आई थी और थोड़ा मौसम अच्छा हो गया था, बारिश वगैरह रुक गई थी। दोस्तों आज भी जो बारिश है वो फिलहाल रुकी हुई है, बाकी अभी तो फिलहाल हम मेडिकल पे जा रहे हैं, उसके बाद जहाँ भी घूमने जाया जाएगा आपको दिखाया जाएगा आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम आ गए अपने टेरिस पे, ये है हमारी सबसे ऊंची वाली छत, तो आप छत से ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी छत और यहाँ से पहले पूरा किच्छा नज़र आता था, लेकिन अब सभी लोगों ने अपनी अपनी ऊँची ऊँची छतें बना ली हैं, तो वो है हमारा इंडियन फ्लैग और ये आप हमारी छत से नज़ारा देख सकते हैं पूरा। और सामने है हमारी शुगर फैक्ट्री, उससे निकल रहा है धुआं और ये देखिए ये हमारा पूरा एरिया है। दोस्तों पहले हमारी जो ये छत थी ये भी बहुत ऊंची थी, लेकिन अब सभी लोगों ने अपनी अपनी ऊंची ऊंची छतें बना ली हैं और जो हमारी जो छत है वो नीचे घुस गई है बिल्कुल। ये छत भी पहले बहुत नीची थी और हम इनके घर पे झांक सकते थे, और अब से अब इनने भी अपनी छत बनवा ली है ऊंची सी और अब ये हमारे घर पे झांका करेंगे। तो दोस्तों सभी ने अपने ऊंचे ऊंचे घर बनवा लिए हैं और हम भी अब YouTube चैनल से कमा के अपना ऊंचे छत बनवाएंगे। दोस्तों अभी तो फिलहाल हम कहीं जाने वाले नहीं है खैर, और अभी तो फिलहाल मेडिकल पे जा रहे हैं, उसके बाद मार्केट वगैरह में अगर जाना होगा तो आपको भी मार्केट वगैरह लेके चलेंगे। तो ऋतिक भाई पूरी मस्ती में है और ये हमारे साथ अभी किसी ब्लॉग में जा नहीं पा रहे, वैसे तो ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है लेकिन इनका थोड़ा ऐसा काम पड़ गया, इनके फादर की थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब रह रही है, तो जिस वजह से ये दुकान पर बैठ रहे हैं और पापा काम संभाल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने पापा को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपने पापा को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल तो हम अभी जा रहे हैं अपने मेडिकल स्टोर का सामान लेने, और अभी तो फ़िलहाल हमारा कहीं जाने का प्लान है नहीं क्योंकि आज अयान के घर पे कुछ है, उसकी दादी वगैरह एक्सपायर हो गई थी तो उसी चीज़ का कुछ है आज, और जो हमारा सोनू है वो तो मुक्तेश्वर गया हुआ है और उसने बताया भी नहीं कि मैं मुक्तेश्वर जा रहा हूँ। अगर वो मुझे बताता कि मुक्तेश्वर जा रहा है तो मैं आपको मुक्तेश्वर का ब्लॉग ज़रूर दिखाता और आपको मुक्तेश्वर लेके चलता। तो फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे हैं अपने मेडिकल स्टोर का सामान लेने, और उसके बाद जहाँ भी जाएंगे आपको ब्लॉग के साथ साथ दिखाएंगे। और आज का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बरसात कब हो जाए कुछ पता नहीं है, फिलहाल पूरे आसमान में जो बादल वगैरह छाए हुए हैं, तो आप इन्जॉय कीजिए आज का ब्लॉग। हमने 2 एजेंसियों से सामान ले लिया है, अब हमारा 1 एजेंसी का सामान रह गया है तो उस पर भी हम जा रहे हैं। तो खैर दोस्तों एजेंसी इसके अंदर मैं इसलिए लेके नहीं जाता हूँ, क्या पता कोई एजेंसी वाला मना करने लगे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं आपको एजेंसी वगैरह के अंदर लेके नहीं जाता हूँ और एजेंसी वगैरह नहीं दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी हम एक लास्ट एजेंसी पे जा रहे हैं जिसका नाम है जुबली मेडिकोज, तो वो यहाँ से कुछ ही दूर है और इस समय मैं हूँ आवाज़ विकास में, तो आप आवाज़ विकास का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस कॉलोनी में आके, और एक बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी है ये पूरे किच्छा की। तो जो आज का ब्लॉग है उसमें आपको मज़ा आने वाला, आज हम कवर करेंगे मार्केट, और अभी तो फिलहाल हम कवर कर रहे हैं अपने आवास विकास की कॉलोनी क्योंकि दोस्तों यहीं से रास्ता गया है हमारे जुबली मेडिकोज का। दोस्तों आई होप आपको आज के ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा, फिलहाल आज मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए मैं आज अकेले ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अगर कोई साथ में होता है तो थोड़ा मज़ा आता है बस, और अभी मैं अकेले ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो वीडियोस देनी है, ब्लॉग डालना ही है, तो मैंने सोचा आज मैं अकेले ही ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, कोई फ्रेंड वगैरह तो मेरा आया नहीं,
और दोस्तों एक बात और है कि कुछ लोग मेरे जो ब्लॉग है उस पर डिसलाइक कर रहे हैं, तो मैं भाई लोगों जो भी मेरे ब्लॉग पर डिसलाइक कर रहा है तो मैं उससे डीमोटिवेट नहीं होऊंगा। फिलहाल मेरे एक सर है, उनने कहा है कि जिस दिन भी लोग आपको डिसलाइक करने लगे उसे समझ लेना कि वो आपसे जल रहे हैं, और अगर वो आपसे जल रहे हैं तो जलने का मतलब ये है कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम इंजॉय करते हैं आज की जर्नी को, तो आप ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी फ़िलहाल हमने ले लिया अपने मेडिकल का सारा सामान, और थोड़ा मेडिकल का सामान लेने जाओ तो मास्क वगैरह ला के रखना पड़ता है, क्योंकि बिना मास्क के सामान वगैरह नहीं देते हैं। और ये ठीक भी है क्योंकि इस समय ओमिक्रॉन चल रहा है, और आप लोग भी ज़रा मास्क ला के रखिए। और बाकी हमने सारा सामान ले लिया है और कुछ हमारा ये नीचे रखा हुआ है, तो अभी हम अपनी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं मेडिकल पे। उसके बाद जहाँ भी जाएंगे वो हम आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हुए हैं द स्पाइसी रूट कैफ़े में, तो इसने बुला लिया ऐसे ही। अभी मैं घर पे खाना खा रहा था और इसे पता नहीं क्या मूड करा, इसने बुला लिया मुझे। और इधर बैठे हमारे अंकित भाई। तो अभी तो हमने बनवाई है राइस और अभी हम खाएंगे राइस। फिलहाल तो मैंने खाना खा लिया, मैंने इससे मना किया था कि भाई कुछ मत अनुमाना, लेकिन ने राइस लगवा ली, अब खानी पड़ेगी, फेंकेंगे तो है नहीं उसे। तो आज का ब्लॉग जो है कोई ज़्यादा खास तो होने वाला नहीं है क्योंकि हो रही है बारिश, कहीं जाएंगे तो नहीं, लेकिन कल आपको कहीं लेके चलेंगे, देखेंगे। तो अभी राइस तैयार हो रही है, हमारी राइस बन जाएगी, उसके बाद हम खाएंगे राइस। तेरी गर्लफ्रेंड भी देखेगी इसे? सही में? हाँ सही में ही ब्लॉग डलेगा। तेरी गर्लफ्रेंड देखेगी कि किसी और लड़की को लेकर आया कैफे में। समय हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और हम कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम वीडियो बनाएंगे और बहुत सारा फन करेंगे, बहुत सारी ये। भाई ये है हमारे घर की चिल्लर पार्टी, और इनकी बात में बिल्कुल मत आना, बिल्कुल खत्म लोग हैं ये, केवल फिल्टर लगा के अच्छे लगते हैं, अभी बिना फिल्टर के सब ये ऐसा लग रही है कि इनने किसी का खून पी लिया है और खून पीने के बाद इनके ऐसे होठ हो गए। तो दोस्तों अभी हम बनाएंगे अपने कॉकटेल के अंडे और अपने घर वालों से करेंगे प्रैंक, और घर वालों खिलाएंगे हम आज कॉकटेल का अंडा। तो कॉकटेल जो मेरा पैरेट है कुक्कू, उसके अंडे हैं, उसके अंडे हो चुके हैं इनफर्टाइल, यानी कि उसमें बच्चा अब नहीं निकलेगा, तो उस अंडे का हम बनाने वाले हैं आज आमलेट। तो अब पूरे एक फैमिली के साथ उससे करेंगे प्रैंक, और वो अंडा पहले हम बना लेंगे उसका आमलेट छोटा सा। ये थे हमारे तोते के अंडे, और ये सब तोते के अंडे हमारे इनफर्टाइल हो गए थे, इसमें कोई बच्चा वगैरह नहीं था, और हम बनाएंगे अब इसका आमलेट। तो ये चार अंडे थे, चार अंडे थोड़े से हुए हैं, तो अभी हम बनाते हैं इसका आमलेट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And तो ये हमारा हो चुका है अंडा रेडी, अब ये हम राजीव भाई को खिलाएंगे। टेस्ट करके दे, टेस्ट करके, टेस्ट करके, अरे टेस्ट करके, थोड़ा सा, थोड़ा सा खा के देखा, थोड़ा सा तो खा के देखा, अरे थोड़ा सा खा के देखा, थोड़ा सा, अरे टीवी कैसे बंद हुई अपने आप ही यार, अरे थोड़ा सा तो खा के दिखा दे, है तो मुर्गी का अंडा। अंडा खाओ, अरे मुर्गी का अंडा है ये, हाँ तो आधा अंडा है, अब वो किसके, वो तो फेंक दिया, खाएगी
बता तो नहीं है, अरे इतना छोटा बनेगा ही नहीं, पहले इतिहास पूरा आधा खाना पूरा। अरे चल हम आधा तो सब ले लेते हैं। नहीं यार खा लिया लोग, क्या ये तो खा लेता होगा, इन्हें नहीं खाया ये है। लो मैं आपको ले लिया, अरे नहीं है यार जी, अरे ये आवाज नहीं है, ये खावे उबल देगा, वो ऐसा होता ही नहीं, वो घर में तेरे मुंह में ही तो उबल देगा आंटी। अरे मैं नहीं खाऊंगी, तू ही खा। तो दोस्तों ये अंडा ये लोग नहीं खा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता लग गया कि ये तोते का अंडा है, तो अभी हम इसे रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे बिल्ली आती है, वो खा लेगी, अब कोई तो खाएगा इसे, ये लोग तो खा नहीं रहे। वैसे थोड़ा अंडा खा लिया था ना तुमने? तोते का अंडा। अभी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी हम कहीं आपको बाहर ले नहीं जा पाएंगे। तो आई होप जो अभी का ब्लॉग है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने अपनी फैमिली के साथ एक छोटा सा प्रैंक कर लिया, और वो रियल में ही कॉकटेल के अंडे थे क्योंकि वो इनफर्टाइल हो गए थे, तो इनफर्टाइल अंडों में से बच्चा नहीं निकलता है, तो वो मैंने उसका आमलेट बना दिया ऐसी। और आपको एंटरटेन करने के लिए और कोई इसका चांस नहीं था खाने के लिए, आप कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें क्योंकि वो कॉकटेल का अंडा और तोते के अंडे पता नहीं कैसे होते, कौन कौन से उससे केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, तो आप कभी ऐसा ना करें। वो तो मैंने ऐसी केवल मज़े लेने के लिए, इन्जॉय करने के लिए बना लिया था, और वो कॉकटेल का अंडा हमने फेंक दिया है, मतलब बाहर रख दिया है ताकि बिल्ली उल्ली उसे खा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आप मौसम देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे हो रही है अभी बारिश। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में तो हम आपको कहीं ले नहीं जा पाए, कल देखेंगे कि कल आपको कहीं और लेके जाएं।